calculate, break even point, from the following. Fixed expense 20,000 दिया हुआ है, वेरिएबल एक्सपेंस 2 रुपीज पर यूनिट दिया हुआ है, सेल्स 4 रुपीज पर यूनिट दिया हुआ है। एक ये क्वेश्चन है, एक सम्स है जिसमें फिक्स्ड एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस और सेल्स दिया हुआ है। वेरिएबल और सेल्स यूनिट में दिया हुआ है बट ये अमाउंट में दिया हुआ है। इससे आपको क्या मांग रहा है? बीईपी। हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी बीईपी मांगेगा पहले कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, क्योंकि अभी हम 3 सम्स लिखेंगे और आप फार्मूला को निकालेंगे, वहां से आप बताएंगे कि कैसे सॉल्व होगा। ओके, फार्मूला में सब कुछ है, फार्मूला बेस है, इसलिए कोई तरह का प्रॉब्लम इसमें नहीं है। एक और लिखिए उसी के नीचे, सेल्स दिया हुआ है, अमाउंट में 6,000, वेरिएबल एक्सपेंस 3,000, 600, फिक्स्ड एक्सपेंस दिया हुआ है 2,000, इसी तरह से एक और हम लोग लिखेंगे। इससे क्या होगा कि आपको बीपी निकालने के लिए अभी तुरंत आ जाएगा। सेल्स दिया हुआ है 4,000, वेरिएबल एक्सपेंस 2,400। देखो इसमें भी सेल्स और वेरिएबल दिया हुआ था, यहां भी सेल्स और वेरिएबल दिया हुआ है, बट यहां फिक्स दिया हुआ है, यहां देखिए नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट 400। देखो आपसे क्या मांगा है? बीईपी। हम पहला सॉल्व कर रहे हैं ए नंबर, आप सबको ही बाद में कॉपी करना, पहले सामने आप फॉर्मूला को निकाल लीजिए। बोलिए, कंट्रीब्यूशन निकालेंगे ना पहले, क्योंकि बीईपी का जो फॉर्मूला है, आप देखिए जो बीईपी का जो फॉर्मूला है वहां पर फिक्स कॉस्ट है डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन सी। क्या फॉर्मूला है सी का? देखिए यहां सेल्स भी दिया हुआ है, वेरिएबल भी दिया हुआ है, एस माइनस वी कितना आएगा, हो गया। देखिए बीईपी का फॉर्मूला क्या है आपके पास, देखिए बीईपी दिया हुआ है यूनिट में, क्या है बोलिए, फिक्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कितना दिया हुआ है? 20,000 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा? 10,000 यूनिट्स। आप चाहें तो इसको अमाउंट में भी ला सकते हैं। बीपी देखिए वहां सेल्स लिखा हुआ है ना, देखिए लिखा हुआ है ना बीपी सेल्स,
सेल्स में आ जाएगा, यानी अमाउंट में आएगा। 10,000 यूनिट सेलिंग प्राइस कितना करके है? अगर आप चाहें तो इसको बीईपी सेल्स यानी अमाउंट में भी ला सकते हैं। 10,000 यूनिट्स इंटू 4 पर यूनिट तो कितना आ जाएगा? 40,000। आया समझ में? फार्मूला में हम लोगों ने देखा कि बीईपी निकालने का जो फार्मूला है वो इस सम्स के लिए ये सूट कर रहा है, फिक्स्ड डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिए, फिक्स्ड तो हमको पता था, निकल गया यूनिट में, निकल गया, यही तक करके छोड़ सकते थे, बट हम लोगों ने सेल्स से भी निकाल दिया। फटाफट कॉपी कीजिए क्योंकि अब बी नंबर करेंगे, जल्दी से कॉपी करो। कहां पर? सेल्स में। ये तो बीपी यूनिट में निकल गया 10,000 यूनिट। अब 10,000 यूनिट को अगर हम सेल्स से करेंगे तो 10,000 यूनिट कितना करके बेचेंगे? तो 40,000। अगर अमाउंट में देगा तो 40,000 आ जाएगा, इसमें 2 से नहीं करना है। देखो सबसे पहला बात है कि यहां पर हम लोगों को क्या बोला है निकालने के लिए, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का जो तरीका है हम लोग देखेंगे फॉर्मूला में, एफ डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड मिल गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल गया, हम यूनिट में भी छोड़ सकते थे, यूनिट में छोड़ सकते थे, बट यूनिट के साथ अगर हम चाहें तो बीपी सेल्स भी कर सकते हैं। बीपी सेल्स अगर यूनिट में निकलेगा तो सिंपली जितना सेल्स पर यूनिट है उससे इंटू कर देना, तो अमाउंट में आ जाएगा, तब अमाउंट में आ जाएगा। लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहीं पर तक तो छोड़ देंगे क्योंकि हमको क्या बोला है निकालने के लिए, बीपी, तो बीपी निकाल देंगे। बी नंबर ए हो गया, अगर ए हो गया तो बताइए, फिर हम लोग बी करेंगे। बी पे ध्यान दीजिए, सेल्स दिया हुआ है, वेरिएबल है, फिक्स कॉस्ट है, क्या मांग रहा है? बीपी। बोलिए सबसे पहले क्या निकालना होगा? कंट्रीब्यूशन। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखिए सेल्स माइनस वेरिएबल, तो सेल्स यहां पर दिया हुआ है, वेरिएबल भी दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, फिक्स्ड प्लस प्रॉफिट क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि फिक्स्ड तो जरूर दिया हुआ है बट प्रॉफिट हम लोग को नहीं दिया हुआ है, तो क्या हम लोग प्रॉफिट नहीं निकाल सकते थे? निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? अरे कोई सामान को 6,000 में बेचे हैं, 3,600 वेरिएबल है, 2,000 फिक्स है, मतलब टोटल 5,600 रुपया खर्च हुआ, 5,600 उसको बेचे हैं कितना में? 6,000 में, तो प्रॉफिट भी आ सकता था। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है, आप बहुत तरह से कर सकते हैं, बट चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? बी नंबर का, ये मिटा रहे हैं। अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं किसको? बी। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, अभी आपने क्या बोला? एस माइनस बी। 6,000 माइनस 3,200 कितना आ जाएगा? निकल गया। क्या निकालना है? बीपी। अरे अमाउंट में दिया हुआ है तो बीपी अमाउंट में आया है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप? बोलिए। एफ फिक्स्ड दिया हुआ है इंटू एस सेल्स भी दिया हुआ है, तो हम लोग लिखाएंगे बीपी, देख लो क्या लिखेंगे हम लोग, एफ इंटू डिवाइडेड बाय सी। एफ कितना दिया हुआ है? एस कितना दिया हुआ है और सी कितना दिया हुआ है? तो बताइए बिना सी निकाले कुछ होगा? नहीं होगा ना, तो अब देख लो कितना आएगा, 5,000। आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सी नंबर, सी कैसे बनेगा? बोलिए सी के लिए, बोलिए
सेल्स दिया हुआ है, वेरिएबल है, कंट्रीब्यूशन निकलेगा। कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला है बोलिए, कौन सा लेंगे आप? एस माइनस भी। तो सबसे पहले हम सी इज इक्वल टू एस माइनस भी निकाल रहे हैं। एस कितना दिया हुआ है? सेल्स 4000। भी कितना दिया हुआ है? तो कंट्रीब्यूशन कितना निकल गया? 1600। तो क्या अब ब्रेक इवन पॉइंट जो बोला है निकालने के लिए वो निकल जाएगा? क्या चाहिए? एफ यहां नहीं है, यहां तो दिया हुआ था, यहां पर नहीं है, बट एस सेल्स है, सी निकाल चुके हैं। तो हमको फिर से एक बार कंट्रीब्यूशन का ही फॉर्मूला का यूज करके क्या निकालना पड़ेगा? फिक्स तो निकल जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे देखिए। यानी सी इज इक्वल टू हम लोग फिर से लगाएंगे एफ प्लस तुरंत भी निकल जाएगा। कंट्रीब्यूशन कितना निकला है बोलो? 1600। एफ नहीं पता है बट पी आपको दिया हुआ है कितना? 400 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो फिक्स कितना निकल गया? 1200। ठीक है, अब हम लोग आराम से ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स निकाल सकते हैं। एफ इंटू एस डिवाइडेड बाई सी, फिक्स कितना निकला? 1200। सेल्स 4000 और सी 1600। कितना आएगा? 1200 इंटू 4000 डिवाइडेड बाई 1600 कितना आ गया? 3000। देखो ये जो हम लोग निकाले हैं फिक्स्ड, यहां से भी कर सकते थे। कोई सामान आपने बेचा है कितना में? 4000 में। उसमें प्रॉफिट कितना हुआ? पहले उसको हटा दो तो कितना आ गया कॉस्ट? 3600। उसमें से वेरिएबल जब 2400 है तो नो डाउट फिक्स तो 1200 होगा ही, यानी ओरली तो तुरंत निकल जाएगा, बट कैसे निकला उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? यहां पर दिखा रहे हैं। एबीसी तीनों बन गया, आपको ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है समझ में। हम ये सारे कुछ इसलिए लिए हैं ताकि आप कहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये आपका पहले क्लियर होना चाहिए। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो ईयर बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगा। तो यहां तक तो हो गया, नेक्स्ट।